नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में चिता की राख और गोली की पहेली की तफ्तीश करेंगे। क्यों अस्थि कलश में गोली की तलाश जारी है, इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी ही देर में। इसी के साथ ही यूपी में मोहब्बत और एमपी में मर्डर का खुलासा होगा। दिलों को ठगने वाली ड्रीम गर्ल भी बेनकाब होगी। रिश्तेदार ठग गैंग से कैसे बचना है ये भी बताएंगे, और खुलासा होगा सौतेली मां के सितम का। क्या चिता की राख में मर्डर का सबूत तलाशा जा सकता है, वो भी गोली सुनकर यकीनन आपको हैरानी होगी। लेकिन ऐसा ही है, एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नजर नहीं आई। अस्थि कलश में भी गोली को तलाशा गया, लेकिन अब यह गोली पहली बन गई है। देखिए, अस्थि कलश में गोली की तलाश, चिता की राख में सुराग की पड़ताल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नहीं खुला राज, कत्ल की हैरान करने वाली वारदात, गोली बनी पहेली। आखिर गोली गई कहां? अब से पहले शायद ही आपने ऐसी तहकीकात देखी होगी। यहां चिता की राख में तलाश जारी है, पूरा परिवार कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि राख को पानी में भी छाना गया, अस्थि कलश में भी उसे खोजा जा रहा है, जो अब तक न तो डॉक्टर्स को दिखाई दी न ही पुलिस के हाथ आई। ये पूरी कहानी उस सबूत की है, जिसका मिलना केस के लिहाज से बेहद जरूरी है। ये तलाश है एक गोली की। पहले समझिए मामला क्या है। रीवा के जवा थाना इलाके के जनकहाई गांव में 4 दिन पहले हत्याकांड हुआ। गोली मारकर राम शिरोमणि केवट की हत्या कर दी गई। ट्रैक्टर ना चलाने की बात पे इनके बीच में मारपीट हुई थी। उसका ड्राइवर है जो आरोपी है मुख्य प्रकरण में, जो आरोपी अनिल पटेल है, उसका ड्राइवर है जो मृतक का लड़का है, और उसने उस दिन ट्रैक्टर चलाने मना किया था, और जिसकी वजह से फिर ये विवाद हुआ था। विवाद क्या था यह भी आपको बताते हैं। ट्रैक्टर के मालिक अनिल पटेल को ट्रैक्टर ड्राइवर रामलाल केवट ने ट्रैक्टर चलाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर बखेड़ा हुआ, विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद में ड्राइवर रामलाल केवट के पिता राम शिरोमणि को गोली लगने से उनकी मौत हो गई। इधर ट्रैक्टर मालिक अनिल पटेल भी घायल है। दोनों तरफ से मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। दोनों पक्षों में इसमें मारपीट हुई थी, और जो अनिल पटेल और की तरफ से जो पक्ष था उसकी तरफ से गोली चली थी, जिसमें राम शिरोमणि केवट की मृत्यु हुई थी, और जिसके आधार पर इसमें हमने राम शिरोमणि केवट मृतक के बेटे की तरफ से इसमें हमने FIR इसमें 302 धारा के अंतर्गत कायम किया है। इसमें हमने 2 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया, दिलीप पटेल और पिंकू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। मर्डर के केस में 2 आरोपी तो गिरफ्तार हुए, 1 आरोपी अनिल का इलाज जारी है, लेकिन राम शिरोमणि को लगी गोली अब पहेली बन गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली नजर नहीं आई और ना ही मिली। अब पुलिस के पास अस्थि कलश की तलाश ही आखिरी उम्मीद थी। कोशिश ये की जाती है कि जब PM होता है तो डॉक्टर उसको एक्सरे या अन्य माध्यमों से गोली की पोजीशन पता करके फिर उसको निकालते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकरण में क्योंकि संभवतः कहीं डीप है, जिसकी वजह से वो निकाल नहीं पा रहे हैं PM के समय भी, तो अगर परिजन उसकी परमिशन देंगे और अगर जो भी अस्थि होती है अगर उसमें छान के भी निकाल सकते हैं, अगर परिजनों की अनुमति होगी तो उसको भी किया जाए। मृतक के परिवार की सहमति से अस्थि कलश, चिता की राख में भी उस गोली को ढूंढा गया, लेकिन इस तलाश में भी पुलिस के हाथ खाली रहे। सवाल यह है कि आखिर गोली की यह पहेली कब सुलझेगी, आखिर गोली गई कहां? सतना में शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिलों को ठगने वाली ड्रीम गर्ल जो बस ये कहती है मैं जानू बोल रही हूं, रील ही नहीं रियल लाइफ की इस ड्रीम गर्ल नटवर लाल की कहानी आपको भी हैरान कर देगी। साथ ही होंगे रिश्तेदार ठग गैंग, कहीं ऐसा नटवर लाल का अगला शिकार आप ना बन जाइए, इसलिए रिपोर्ट देखिए।
की आवाज में खनक, आवाज का जादू, वो बन गया ड्रीम गर्ल। दिल को ठगने वाली ड्रीम गर्ल। इधर रिश्तेदार ठग गैंग की कारस्थानी, कोई जज्बात से करे खिलवाड़, किसी का इमोशनल अत्याचार। ऐसे बहरूपीय नटवरलाल से सावधान। उसकी आवाज सुनकर ही ना जाने कितने लोग दिल हार बैठे, जिसकी तस्वीर ने भी जुआ खेला। यहाँ भी दाव पर दिल लगा बैठे। सोशल मीडिया पर ये फ्रेंडशिप शुरू हुई, बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। फिर जिस लड़की से चैटिंग हो रही थी उससे बातें भी शुरू हुई। लेकिन इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है। प्यार इश्क मोहब्बत के बाद इंस्टाग्राम वाली वही हसीना फरियादी पर शादी का दबाव डालने लगी। अब इसके बाद लड़की के भाई की एंट्री हुई। शायद आपको ये किसी रियल लाइफ की फिल्म की तरह लग रहा होगा, हकीकत में ये है ठगी की ड्रीम गर्ल। दिनांक 4 को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई है। अमन नाम ने अपने लाल घाटी के हैं, उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति उनके साथ लड़की की आवाज में इंस्टाग्राम के माध्यम से उनके संपर्क में आया और लड़की की आवाज में बातचीत करता था। उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी उस पर लड़की की लगाई गई थी। जब वो बातचीत करता था लड़की की आवाज में ही उनके बातचीत करता था, वो धीरे धीरे उस पर शादी का प्रेशर डालने लगे और फिर उसके भाई के माध्यम से उसने अड़ीबाजी करी उनसे। करीब 70,000 का उनके साथ धोखा किया गया है। भोपाल के कोई फिजा थाने में जब ये मामला आया तो पुलिस वाले भी हैरान थे। तफ्तीश शुरू हुई तो कहानी ही बदल गई। दरअसल जो लड़की बनकर बात कर रहा था उसने अपनी पहचान बदली थी, लड़की की फोटो लगाकर नकली आईडी बनाई। आरोपी आशु को फिल्म ड्रीम गर्ल देखकर ये आईडिया आया, लेकिन ड्रीम गर्ल का राज राज नहीं रहा। अब तक कितने लोगों को ठगा इसकी तफ्तीश जारी है। जान में आने पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब ये व्यक्ति की तलाश की गई, शिवानी रघुवंशी के नाम से जो आईडी चलाता था उसके संबंध में, तो फिर मालूम चला कि वो छोटू मेहरा जो कोलार का रहने वाला है वो आया सामने, जिसके माध्यम से जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ही बताया गया कि वो लड़की की आवाज में ही बात करता। भोपाल में ड्रीम गर्ल चूना लगा रही थी तो इधर पन्ना में रिश्तेदार ठग गैंग का इमोशनल अत्याचार। शाहनगर थाना इलाके के रहने वाले फरियादी को अचानक कॉल आया, उस पर जो कहा गया उसके बाद उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। फौरन मोटी रकम ठग गैंग के खाते में डाल दी। राजस्थान की रिश्तेदार ठग गैंग थी ये। शाहनगर में एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ था, जिसमें उसे कॉल आया था कि उसकी जो बहन है वो बीमार है, जीजाजी कॉल कर रहे हैं और लगभग 1,00,000 रुपये की आवश्यकता है। उसने तत्काल 1,00,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन उसके बाद जब बहन को फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि बहन बिल्कुल ठीक है। तब उसको एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। साइबर पुलिस और थाना शाहनगर द्वारा इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए ज़िला डीग थाना कामा राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 आरोपी को गिरफ्तारी करना शेष है और इनके पास से वो मोबाइल जिससे ये कॉल गया था वो जब्त हुआ है। इसके साथ ही 60,000 रुपये जो है उसकी भी जब्ती बनाई गई है। भोपाल पन्ना में हुई साइबर ठगी आपको चौकन्ना कर रही है। भोपाल में वासु चौरे और पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये दो राज्य एक लव स्टोरी की खूनी दास्तां सुना रखे हैं। यूपी में 10 साल पुरानी मोहब्बत और एमपी में ले जाकर किसी का कत्ल। इस कत्ल की मास्टरमाइंड एक महिला है। आखिर मर्डर का लव स्टोरी से कनेक्शन क्या है? आखिर कत्ल किसका हुआ है? देखिए रिपोर्ट। यूपी में धड़का दिल, एमपी में मर्डर। प्रेमी को दी पति के कत्ल की सुपारी, फिरौती में 7 फेरे का वादा।
10 साल की लव स्टोरी। मंदिर घूमने का बहाना, मर्डर का प्लान। बेवफा बीवी की खौफनाक साजिश। इस इलाके में लाश मिली, खेत में बाइक अलग पड़ी थी और लाश अलग। ये वारदात क्या कोई हादसा है? क्या बाइक फिसल गई और इस शख्स की मौत हो गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, वो चौंकाने वाला था। गला घोटकर हत्या की गई थी। बाइक के नंबर से मृतक की पहचान हुई, 27 साल का अशोक पाल, सोचना थाना इलाके का रहने वाला था, जिसकी लाश 5 जून को टीकमगढ़ के दिगोड़ा थाना इलाके के बमहोरी में मिली। अशोक पाल के कातिलों की तस्वीर अब जरा एक एक कर देखिए। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड ये महिला है, जो मृतक अशोक पाल की बीवी है। एक थाना दिगोड़ा में दिनांक 5 तारीख को एक बॉडी मिली थी। वहां पर बमोरी गांव में पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, उसका पीएम कराया। उसे पता चला कि इसके गले में गला घोटकर इसकी हत्या कर दी गई थी। इस पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। उस मृतक की पहचान अशोक पाल, ग्राम थाना सोजना और ललितपुर के रूप में हुई। पति के कत्ल की स्क्रिप्ट आरोपी पत्नी ने खुद लिखी, यानी कैसे कत्ल करना है, जिसमें साथ दिया उसके प्रेमी सीताराम पाल और प्रेमी के रिश्तेदार ने। दरअसल ये साजिश दो राज्यों में रची गई। यूपी के ललितपुर का रहने वाला था मृतक अशोक पाल, जिसका कत्ल आरोपियों ने दूसरे राज्य यानी एमपी के टीकमगढ़ में किया। अब वारदात वाले दिन क्या हुआ ये सुनिए। ओरछा मंदिर घूमने का बहाना बनाया गया, लेकिन प्लानिंग कत्ल की थी। इसने अपनी जो तकनीकी साक्ष्य और मानवीय साक्ष्यों की मदद से ललितपुर जाकर और वहां के अन्य क्षेत्रों में तलाश शुरू की, और उसे ये पता चला कि मृतक के ही पत्नी ने पूरी योजना बनाई थी। मृतक की पत्नी का अपने जीजा के भाई के साथ 10 साल से प्रेम प्रसंग था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने प्लानिंग बनाई। ओरछा से घर लौटते वक्त बमहोरी में पेट्रोल पंप के पास खेत में पार्टी हुई, जाम छलकाए गए, उसके बाद अशोक पाल की हत्या कर दी गई। जब पुलिस की टीम बाइक के नंबर से ललितपुर पहुंची तो 10 साल पुरानी लव स्टोरी का खुलासा हुआ, यानी बेवफाई की कहानी का। 5 तारीख को मृतक के जो साढ़ू का भाई है सीताराम पाल और उसका कजिन भाई प्रेमलाल पाल, ये दोनों मृतक को ललितपुर से लेकर आए ओरछा तक। ओरछा से वापस जाके इन्होंने ग्राम बमोरी के पास खेत में उसको शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसके गमछे से उसके गला घोटकर हत्या कर दी। बेवफा बीवी ने प्रेमी को फिरौती में 7 फेरे का वादा किया था, लेकिन क्लाइमैक्स में लिखा था रिश्तों के कत्ल की सजा जेल की सलाखें। टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 7 महीने के मासूम बच्चे के घर में लाश मिली, कपड़े से उसकी लाश को ढक दिया गया था। कातिल उसी घर में मौजूद थी, जो राज खुलने के डर से बाद में फरार हो गई। आखिर मासूम का गुनहगार कौन है, देखिए रिपोर्ट। सौतेली मां का सितम, मासूम की पटक पटक कर ली जान। कत्ल के बाद कातिल मां हुई फरार, कपड़े से छिपाया गुनाह। उसे प्यार नहीं, मिली मौत। 7 महीने का मासूम, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, बच्चे की लाश को कपड़े में ढक कर रखा गया था। उस वक्त घर पर सौतेली मां मौजूद थी, पिता बाहर था। जब पिता घर आया तो उसे पता ही नहीं था कि उसके बच्चे की हत्या कर दी गई है। जब अपनी दूसरी पत्नी से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो भागकर मायके चली गई।
बलरामपुर में सौतेली माँ की क्रूरता की जो तस्वीर सामने आई वो हैरान कर देती है। तक नवजात शिशु का पिताजी ग्राम चुनचुना गांव में ही सरहुल त्यौहार मनाने गया हुआ था और शाम को लगभग 4 बजे जब वापस आया तो अपने सबसे छोटे बच्चे को, जिसकी माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी, उसके जगह में उसकी देखभाल के लिए एक उसकी सौतेली माँ लाई हुई थी, वो घर में थी। जब बच्चा को उठाने का प्रयास किया तो बच्चा नहीं उठा, तो अपनी पत्नी से पूछी कि क्या हुआ इसको करके, कुछ नहीं बताई, चुपचाप वहाँ से वो भाग गए अपने मायके। वारदात को किस तरह से सौतेली माँ ने अंजाम दिया उसे कोई भी सुनेगा तो दंग रह जाएगा। बच्चा माँ की गोद में था लेकिन वो गोद से गिरा और रोने लगा। बच्चे को चुप कराने की जगह उसके रोने की आवाज को सौतेली माँ ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। गुस्से में आकर नन्ही सी जान को जमीन में पटक कर उसकी जान ले ली। तो नवजात शिशु के कनपट्टी के दोनों तरफ चोट के निशान और सिर के पीछे तरफ चोट के निशान पड़े हुए थे। आरोपी से जब पूछताछ की है तो बता रही थी कि पा गोदी की हुई थी, उसी समय बच्चा गिरा, उसी के ऊपर गिर गई जिससे उसको चोट आया। बाद में शांत नहीं होने पर उसको पटक कर मारना बताया। 7 महीने का था ये मासूम। कुदरत ने भी इस बच्चे के साथ कैसी नाइंसाफी की। पैदा होते ही माँ की गोद नसीब नहीं हुई, बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे की माँ की मौत हो गई और इधर सौतेली माँ ने ममता का ही गला घोंट दिया। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस शख्स को ये नहीं पता था कि जिन्हें वो अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले जा रहा है वो उसकी हत्या करने वाले हैं। साजिश के तहत माँ बेटे ने मिलकर उस शख्स का कत्ल कर दिया। ये कत्ल इंतकाम की कहानी बयां कर रहा है। शक किया तो मार डाला। धारदार हथियार से हैवानियत का वार। मां बेटी ने रची खौफनाक साजिश। सौतेली पिता का मर्डर। तहकीकात के वो 36 घंटे। ये दोनों आरोपी किसी के कत्ल के राजदार थे। इन दोनों ने मिलकर खौफनाक साजिश रची। दोनों ने मिलकर 50 साल के शख्स प्रकाश की हत्या की प्लानिंग की। प्लानिंग भी ऐसी की थर्रा दे। अब उस क्राइम सीन पर आपको लेकर चलते हैं। धार का तिरला थाना इलाका, आंबा कुड़िया गांव, कहार घाटी। यहां जिस प्रकाश नाम के शख्स की लाश मिली थी उस पर जिस तरह से वार किया गया वो किसी इंतकाम की ओर इशारा कर रहा था। थाना तिल्ला के ग्राम अम्बा कुंडिया के कारी घाटी में एक अज्ञात शव की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी उन्होंने टीम ने घटनास्थल निरीक्षण किया। मामला संदिग्ध पाए जाने पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया था अज्ञात बदमाशों के खिलाफ। सबसे पहले मकतूल प्रकाश के बारे में पता लगाया गया जो इंदौर के चौथरा मंडी में रह रहा था। इस बीच पुलिस को एक और क्लू मिला, वो सुराग था राजेंद्र नगर थाने में 15 दिन पहले मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। क्या इस मामले का कनेक्शन प्रकाश की हत्या से है? अब उससे भी चौंकाने वाली बात सुनिए। आरोपी महिला और उसकी बेटी ने प्रकाश को बहाने से गांव बुलाया था। बाइक पर तीनों बैठे, उसके बाद प्लानिंग के तहत रास्ते में बाइक रुकवाई गई, इसके बाद प्रकाश की हत्या कर दी गई। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि इसका एक मांगुड़ी बाई जो अम्बा कुंडिया की रहने वाली थी, हाल चोइतरा में रहती, उसके साथ प्रेम संबंध था, उसी के साथ 2-3 साल से रह रहा था। और जब उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा कि उसका 2-3 साल से उनका प्रेम संबंध था और चरित्र शंका को लेकर उनमें हर बार विवाद होता रहता था। पूर्व में भी इंदौर में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आरोपी माँ बेटी ने इस तरह से साजिश रची थी। दरअसल महिला विधवा थी जिसका प्रेम संबंध प्रकाश से हुआ, उसके बाद तीनों साथ रहने लगे। प्रकाश को पिता की तरह ही ये लड़का मानता था लेकिन सौतेले पिता की हरकतों से वो परेशान था।
उस घटना के एक दिन पूर्व उन्होंने प्लानिंग के तहत अपने लड़के जसपाल के साथ उसकी मृतक की बाइक के साथ अम्बा कुंडिया के लिए आए और अम्बा कहारी घाटी में उसको किसी बहाने से गाड़ी रोकी और उस पर वार कर दिया धारदार हथियार से, चूंकि उसकी उसी समय मौत हो गई थी और ये दोनों फरार हो गए थे उस समय। आरोपी लड़के को ये बात नागवार गुजरती थी कि उसकी माँ को बार बार सौतेला पिता प्रकाश परेशान करता था, उसके कैरेक्टर पर भी शक करता था, जिसका अंत इतना खौफनाक हुआ। धार में नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में आज के लिए इतना ही।